हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं अधिक मास की श्री पुरुषोत्तम एकादशी का ब्लॉग, किस प्रकार से जो हमने ठाकुर जी की सेवा पूजा करी, साथ ही व्रत की रेसिपीज भी शेयर करने वाले हैं जो कि हम एकादशी पर बनाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने एकादशी के दिन भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया, आप चाहें तो इस दिन पंचामृत, कच्ची दूध या फिर चंदन से भी स्नान करा सकते हैं ठाकुर जी को। उसके बाद जो हमने ठाकुर जी को इत्र की मालिश करी, सुंदर श्रृंगार किया, साथ ही एकादशी पर इस बार हमें फिर से जो है तुलसी दल मिल गया था, तो हमने जो ठाकुर जी भगवान शालिग्राम को तुलसी दल समर्पित किया, क्योंकि भगवान को तुलसी दल अत्यंत अत्यंत प्रिय है, भगवान तुलसी दल से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भगवान की सुंदर आरती करी। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा था हमारे राधा गोविंद देव जी का, जरूर कॉमेंट सेक्शन बताइएगा। वैसे श्रृंगार तो हमारे ठाकुर जी का नित्य ही इतना अद्भुत होता है, मतलब कहते हैं ना कि हर एक ही, अगर आप कभी नोटिस करा होगा कि आपने सेम पोशाक के दो तीन दर्शन होते हैं तो हर चीज़ में, हर रूप में ठाकुर जी का जो है कि भाव अलग ही होता है चेहरे पर, तो वो आप नोटिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कितने प्यारे हमारे जो है गोविंद देव जी और श्रीमती राधा रानी लग रही हैं, बहुत ही प्यारे मुखारविंद पर जो है तेज आता है ठाकुर जी का, तो बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ठाकुर जी का श्रृंगार आप सबको कैसा लगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। एकादशी की कथा भी करी थी इससे पहले हमने, आरती करने से पहले, तो क्योंकि जो है अधिक मास चल रहा था तो ये महाफलकारी मास, अब तो जो है ये मास 3 साल बाद ही हमें मिलेगा। पर देखिए भगवान की कृपा कितनी बड़ी है कि जो नॉर्मल में अगर हम एक माला करते थे तो उसको अधिक मास में जो है हमको इस एक माला का हमको 100 गुना हो गया फल मिलता था। तो ठाकुर जी की कृपा ही है जिन्होंने अपनी भक्तियों में सरल कर दी ठाकुर जी ने कलयुग में, कि हर कोई उनकी भक्ति करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकता है। ये हमारे ठाकुर जी की कृपा ही है और कुछ नहीं है। ठाकुर जी की सेवा वगैरह होने के बाद फिर जो है हमने उनको दूध और फल का भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर संध्या के समय, मतलब शाम के समय, फिर जो है हम ठाकुर जी को फलहार बना के भोग लगाते हैं। तो आज जो है फलहार की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू का हलवा, जो कि बहुत ही बढ़िया बनता है। वो आप ठाकुर जी को एकादशी या वगैरह किसी भी व्रत में जो है भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया है आलू, इनको कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से जो है आलू के हलवे का जो टेक्स्चर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। को हमने जो है कद्दूकस कर लिया है। अब हम जो है दो आलू काटेंगे भी, जिसकी बनाने वाले हैं हम आलू की चाट या फिर सूखे आलू जो हम बनाते हैं एकादशी पर, उसी की रेसिपी भी शेयर करने वाले हैं। वैसे हम हर बार शेयर करते हैं, पर चलिए सर फिर से शेयर कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नए होते हैं, वो जो नहीं जानते कैसे आलू बनाते हैं, तो चलिए शेयर कर देते हैं। थोड़ा सा पैन में जो है हमने इसमें घी डाला है, देसी घी, आप जो है मूँगफली के तेल में बना सकते हैं। उसके बाद डालेंगे अब इसमें ये कसे हुए आलू, जिनकी बनाने वाले हम आलू का हलवा, तो इनको अच्छे से पहले थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो या फिर पानी भी ऐड कर सकते हो, पर अगर आप दूध ऐड करोगे तो हलवा आपका ज़्यादा रिच और क्रीमी बनेगा और बहुत टेस्टी लगेगा हलवा। तो आप हो सके तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करिए, जिससे कि जो फ्लेवर आता है हलवे का वो बहुत ही रिच और क्रीमी आता है। तो दूध ऐड करेंगे इसमें, फिर अच्छे से चलाएँगे इसको। फिर इसमें जो है हम थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे, क्योंकि केसर ऐड करने से जो हलवा एकदम केसरी बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में बहुत प्यारा लगता है हलवे का कलर। तो बस हम केसर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हलवा एकदम से घी ना छोड़ दे, और ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम बीच बीच में घी भी ऐड करते रहते हैं। तो बस अब बनाएंगे हम आलू की चाट, जिसके लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा घी रखा है। इसमें मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे, उसका जीरा और काली मिर्ची डालेंगे और फिर आलू डाल के अच्छे से सौते करेंगे सब चीज़ों को। अच्छे चलाने के बाद अब हम जो है इसमें सेंधा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि व्रत में हम जो है सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं। तो नमक डालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे, फिर जो है ढक के रख देंगे स्लो गैस पर, जिससे कि आलू जो पकते हैं, जिस पर जो आलू के नीचे एकदम ब्राउन ब्राउन आता है, क्रंचीनेस बहुत बढ़िया लगते हैं और अच्छे से टेस्ट भी, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आलू का। तो इस प्रकार से हमने स्लो गैस कर दी है और फिर जो है आलू को अच्छे से चलाएंगे। साथ ही जो हमारा आलू का हलवा भी जो है रेडी होने वाला है। देखिए अच्छे से जो है दूध सारा उड़ गया है इसमें से, और अच्छे से एकदम हलवा आपने देखा साइड छोड़ दिए हलवे ने। फिर जो है थोड़े से फ्रूट्स भी हम कट कर लेंगे, थोड़े से मेलन है यहाँ पर, अंगूर हैं और थोड़े से ये ब्लूबेरीज हैं, तो ये हमने कट कर लिए ठाकुर जी के लिए।
साथ ही अब हम जो है हलवे में चीनी ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार चीनी ऐड करनी है। और फिर चीनी ऐड करने के बाद हलवे को ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो हलवा फिर आपका चीठा चीठा हो जाएगा। तो बस मतलब हलवा जो है 90% बन गया है। अब बस चीनी डालने के बाद हम इसको हम मुश्किल से जो है 2 से 3 मिनट पकाएंगे, जब तक कि जो है चीनी का पानी ना उड़ जाए। उसके बाद देखिएगा हलवे का कलर बहुत ही प्यारा कलर आएगा हलवे का। फिर जो है हम प्लेट लगाएंगे और फिर ठाकुर जी को सर्व करेंगे। ठाकुर जी को जो गरम गरम सर्व नहीं करना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए सामान, उसके बाद जो है ठाकुर जी को हम सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चलिए ठाकुर जी को भी हमने सामने प्लेट लगा दी है। अब हम जो है सामने तुलसी दल रखेंगे। आज हमारे पास तुलसी दल थे तो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं सब चीज़ों में, फ्रूट्स में। और ये जो है आलू का हलवा हमने ठाकुर जी के लिए बनाया है, या आलू की चाट है। थोड़ा सा दही रखा है ठाकुर जी के लिए, थोड़े से फ्रूट्स रखे हैं। तो बस इसी का भोग जो है ठाकुर जी को प्रेम से अर्पित करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी प्रेम से भोग पाते हैं। अगर आप ठाकुर जी को प्रेम से कुछ भी भोग लगाओगे तो बड़े ही प्रेम से हमारे गोविंद इसको भोग पाएंगे। चलिए ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर जो है संध्या के समय दीपदान के समय मिलेंगे आपसे। फिर जो है संध्या के समय हमने ठाकुर जी के समक्ष दीपदान किया। आज तो विशेष एकादशी भी थी और पुरुषोत्तम मास भी चल रहा था, तो विशेष तुलसी दीप का हमने दीपदान किया। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किस नई वीडियो से, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे, श्री राधा रमन लाल की जय। श्याम लला।